उड़ीसा के भुवनेश्वर में आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में जिस तरह से बदसलूकी की गई उससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने अस्पताल में सेना अधिकारी की मंगेतर से मुलाकात की। दरअसल उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन में आर्मी ऑफिसर से मारपीट और उनकी मंगेतर के साथ बदसलूकी की गई। पीड़ित महिला आर्मी ऑफिसर के साथ रोड रेस की शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने गई थी, जिसके बाद थाने में पुलिसकर्मियों ने उनसे पहले बदसलूकी की, फिर आर्मी ऑफिसर को लॉकअप में बंद कर दिया। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और हाथ पैर बांध दिए गए। ये बहुत दुख की बात है, ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी नहीं है, सबको अरेस्ट करना है, तुरंत अरेस्ट करना है। दोषी कौन है, तुरंत इसका इन्वेस्टिगेशन करो, सामना आना जरूरी है। क्यों ऐसे एक्शन किए हैं एक महिला के विरोध में? और यहाँ पे जब नया सरकार आया है, लोग उम्मीद से है कि नई सरकार है, कुछ बदलाव आएगी, और नई सरकार आते ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसा हो गया है, क्राइम जितना बढ़ते जा रहा है, सबको डर लग रहा है। उड़ीसा में हम बात कर रहे हैं कि आइए आप इन्वेस्ट करिए उड़ीसा में, आईटी कंपनी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम बच्चों को बोल रहे हैं कि आप काम करो। अभी आईटी कंपनीज आ रही हैं तो महिला रात में भी काम करेंगी, स्कूल कॉलेजेस खुल रहा है तो महिला ट्यूशन भी जाएंगी। तो वो महिला सुरक्षा के लिए एक स्क्वाड निकालने के लिए मैं प्रस्ताव भी दे रही हूँ कि स्क्वाड निकाला जाए, जो